हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कविता किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है साबुत मूंग। आज मैं साबुत मूंग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ की 75 साल पुरानी रेसिपी है ये। इसमें सिर्फ मैंने नमक और हल्दी और तेल डाल के बॉईल करूँगी। जब ये उबल जाएंगे तो इसमें एक चटनी बनाएंगे, फिर वो डालेंगे। साबुत मूंग उबल चुके हैं, अब मुझे बनानी है चटनी। अनारदाना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और 2 टमाटर, इनकी मैं बना रही हूँ चटनी। इसको पीस लेते हैं। मूंग में डालने के लिए चटनी बनके तैयार हो गई है। इसको गैस पे रखेंगे तो चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। बस अब इसमें एक तड़का और लगेगा, थोड़ा गरम मसाला, हींग, खड़ी मिर्च और जीरा, इसका लगाते हैं हम इसमें तड़का। मिर्च, फ्रेंड्स, ये आज का लंच तैयार है साबुत मूंग के साथ। मैंने रेसिपी सिर्फ मूंग की शेयर करी है, एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।